एक बादशाह सर्दियों की शाम को जब अपने महल में दाखिल हो रहा था तो उसने एक बूढ़े दरबान को देखा जो महल के बाहर दरवाजे पर पुरानी और बारीक वर्दी में पहरा दे रहा था। बादशाह ने उसके करीब अपनी सवारी को रुकवाया और उस बूढ़े दरबान से पूछने लगा, सर्दी नहीं लग रही है? दरबान ने जवाब दिया, बहुत लग रही है हजूर, मगर क्या करूँ, गर्म वर्दी है नहीं मेरे पास, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है। राजा ने कहा, मैं अभी महल के अंदर जाकर अपना ही कोई गर्म जोड़ा भेजता हूँ तुम्हें। दरबान ने खुश होकर बादशाह को सलाम किया और अपनी खुशी का इजहार किया, लेकिन बादशाह जैसे ही महल में दाखिल हुआ दरबान के साथ किया हुआ वादा भूल गया। सुबह दरवाजे पर उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश मिली और करीब ही मिट्टी पर उसकी उंगलियों से लिखी गई ये लाइन मिली, बादशाह सलामत, मैं कई सालों से सर्दियों में इसी नाजुक वर्दी में दरबानी कर रहा था, मगर कल रात आपके गर्म लिबास के वादे ने मेरी जान निकाल दी। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, उसी तरह उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए, दूसरों से उम्मीद रखो पर उतनी नहीं कि उनके मोहताज बन जाओ, और खुद की सहन शक्ति खुद की ताकत को भूल ही जाओ, अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करें। आपका आपसे अच्छा साथी, दोस्त, गुरु और हमदर्द और कोई नहीं हो सकता। अगर आप कभी किसी से कोई वादा करो या उसे कोई उम्मीद दो तो उसे पूरा करो। अगर आप उसे पूरा नहीं करने की हालत में हो तो उसे ना में जवाब दे दो, शायद उसने जो उम्मीद तुमसे लगा रखी है उसे वे कहीं और से पूरा कर ले या अपने हालात से समझौता कर ले।